क्लास 12 आगे एक्सरसाइज लिखेंगे उसी में कंटिन्यू आगे क्वेश्चन करेंगे। देखा है साइन क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये आपको क्वेश्चन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है आई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। देखिए हमेशा कंपोजिट चीज को लेट करते हैं, कंपोजिट हमने दुनिया में रूट एक्स पढ़ा है, एक्स की जगह क्या बैठा है साइन एक्स, जो चीज़ एक्स की जगह बैठी होती है उसी को लेट करते हैं, है ना। तो उससे पहले देखिए इस कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ, रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स से लिखा रहा। अगर मैं कंपोजिट साइन एक्स को लेट करूँ तो साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स डी एक्स, दोनों में कॉमन कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा होगा तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह मैं डी टी रिप्लेस कर देता हूँ, अपॉन साइन एक्स की जगह टी और रूट ऑफ टी। तो ये आपका हो गया टी की पावर 3/2, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3/2 डी टी। अब टी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 अपॉन -1/2 होगा तो -2 ऊपर आ जाएगा +3, टी की वैल्यू में मैंने वैल्यू रख दी, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x log sec x plus tan x dx। मैंने बोला था log के साथ कभी भी कुछ लिखा हो तो log वाली पूरी चीज लटकर लिया करिए। t log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sec x plus tan x, sec x का sec x tan x, tan x का sec square x dx बराबर dt। दोनों में कॉमन sec x आ रहा तो ऊपर यहाँ से बचेगा tan x plus sec x अपॉन में sec x plus tan x dx बराबर dt। sec x plus tan x कैंसिल हो गया, sec x dx बराबर dt है, तो दोनों में कॉमन sec x dx लिख गया, sec x dx की जगह dt लिख सकते हैं और इसकी जगह मैं t लिख सकता हूँ, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और t की वैल्यू मैंने रखी log sec x plus tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब cos e की पावर एक्स क्यूब dx। बच्चों एंगल वाली चीज को लेट करते हैं, तो cos के एंगल में e की पावर एक्स क्यूब को लेट किया d, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, जिसको x क्यूब को फिर से करोगे 3x स्क्वायर dx बराबर dt। दोनों में कॉमन देखें तो x स्क्वायर दिख रहा है, e की पावर x क्यूब दिख रहा है, dx दिख रहा है बराबर dt, तीन आपका नीचे आ जाएगा। इतनी चीज की जगह मैं dt by 3 लिख सकता हूँ, तो dt ये लिखा रहा अपॉन 3 ये लिखा रहा, ये cos t लिखा रहा, cos t का इंटीग्रेशन sin t plus c और t की वैल्यू e की पावर x क्यूब प्लस c, आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से x प्लस 1 अपॉन x, वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स कम्पोजिट से एक्स प्लस लॉग एक्स को लट गया डी, तो एक्स का वन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, एलसीएम लिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। दोनों में कॉमन एक्स प्लस वन अपॉन डी एक्स कॉमन दिख रहा है, डी टी आ गया, ये टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, टी की वैल्यू रख दी एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब 1/3, आपका आंसर हो गया। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर रूट एक्स कॉस e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए एंगल वाली चीज e की पावर रूट एक्स को लेट किया t, तो e की पावर रूट एक्स का e की पावर रूट एक्स कॉमन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। दोनों में कॉमन देखिए e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स कॉमन दिख रहा है, 2 को उधर भेज दिया 2dt, इतनी चीज की जगह 2dt लिख सकते हैं, कॉस एक्स कॉस टी हो गया, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस टी, टी की वैल्यू रख दी, आपका आंसर हो गया। इसी तरीके साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, एंगल वाली चीज को लेट किया रूट एक्स को टी लेट किया, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, टू आपको उधर चला गया 2dt, तो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह 2 लिखेंगे, डी टी लिखेंगे साइन टी और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू रख दी, आपका आंसर। इसी तरीके से एक्स प्लस वन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तो एंगल वाली चीज एक्स ई की पावर एक्स को लट किया, फर्स्ट सेकंड इसमें लगेगा, फर्स्ट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एक्स का 1 डी एक्स बराबर डी टी, e की पावर x दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 1 dx बराबर dt, तो दो चीज कॉमन दिखे, एक चीज की जगह dt लिख दिया, इस साइन स्क्वायर t हो गया 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर t और कॉसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस कॉट t प्लस c, t की वैल्यू रख दी प्लस c, आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx को लेट कर लीजिए, m साइन इनवर्स x को t, m ये लिखा रहा साइन इनवर्स x को 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर dt। दोनों में कॉमन देखा जाए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है, एम को नीचे लिया तो इसकी जगह आ गया डी टी अपॉन एम, डी टी ये लिखा रहा अपॉन एम ये लिखा रहा, ई की पावर टी भी हो गया, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दी प्लस सी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कंपोजिट चीज को लट दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को अगर हम लट करें तो 1 का 0, टेन स्क्वायर एक्स का 2 टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इतनी चीज कॉमन दिख रही है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकाले तो माइनस डी टी अपॉन टू रख दिया, माइनस वन अपॉन टू डी टी रख दिया, अंडर रूट टी हो गया, अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3, टी की पावर 3/2, टी की वैल्यू रख दी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x sec क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 टेन एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स। देखिए ऑड पावर को इवन इंटू सिंगल में ब्रेक किया, बड़ी पावर sec एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लेट किया तो sec x का sec x 10x और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे 2x,
dx बराबर dt, दोनों में कॉमन देखा ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, इतनी चीज की वैल्यू मैंने dt रखी है, t स्क्वायर t, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन dq अपॉन 3 t की वैल्यू रखी है और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।